साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का, जहां सबसे बड़ी बहस आज राहुल गांधी के बयान पर होगी। जी हां, राहुल गांधी विपक्ष के यानी कि नेता के तौर पर पहली बार विदेश दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उनके कई बयान सुर्खियों में हैं। वही आज प्राइम डिबेट में बात अमेरिका में राहुल गांधी के बयानों को लेकर छिड़े घमासान की है। वैसे तो राहुल गांधी के बयानों को लेकर चर्चाएं तेज रहती हैं। आज की बहस में आरक्षण चुनाव के नतीजों और सिखों की धार्मिक आजादी को लेकर राहुल गांधी के बयान पर चर्चा होनी है। साथ ही साथ ये भी देख लीजिए कि राहुल ने क्या कहा, उन पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई। मोदी का विजन, राहुल का आइडिया। मैं मोदी से नफरत नहीं करता, हमारे विचार अलग अलग हैं। 56 इंच का सीना जैसी बातें अब खत्म हो चुकी हैं। सालों तक देश में डर का माहौल बनाया गया। निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी 240 के आसपास भी नहीं पहुंच पाती। मोदी आरएसएस भूतकाल की बात करते हैं, ये भारत के लिए खतरनाक है। हम जातिगत जनगणना के पक्ष में है, यानी कि आरक्षण, जातिगत जनगणना समेत कई मुद्दे उठाए गए, हमारे खाते सील किए गए, लेकिन हम तब भी नहीं डरे। तो राहुल का विजन, यानी कि मोदी का विजन, राहुल का आइडिया इस समय चलता हुआ नजर आ रहा। 56 इंच का सीना, बातें अब खत्म हो चुकी है। विदेश में जाके देश को बदनाम करना और देश की छवि खराब करना, ये कोई कुंठित व्यक्ति ही कर सकता है। और अब तो वो केवल सरकार पे नहीं, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। अपने देश की आलोचना दूसरे देश में जाके करना, ये किसी देशभक्त का काम नहीं हो सकता। लगातार पराजय के कारण हताश, निराश और कुंठित राहुल अपनी कुंठा विदेश में जाकर निकाल रहे हैं, वो नेता प्रतिपक्ष है। देखिए, राहुल गांधी जी अमेरिका जाने का यात्रा का मकसद है भारत को बदनाम करने का। तो जो व्यक्ति विदेश में अपना जननी जन्मभूमि का खिलाफ बोल सकता है, वो व्यक्ति का बारे में टिप्पणी करके कोई फायदा नहीं। अगर सच्चाई को बोला जाए तो सच झूठ नहीं होगा। हम सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि आज रोजगार नहीं है। क्या आप नहीं जानते? क्या हम नहीं जानते? पूरा देश जानता है आज महिलाओं की क्या स्थिति है, और देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है यह बात कि महिलाओं की क्या स्थिति है और कैसे पूरा देश हमारा जो है महिला कहीं ना कहीं असुरक्षित है। बाहर से तो विदेशी महिलाएं आती है, उनका भी बलात्कार हो रहे हैं। तो मैं समझती हूँ सच बोलने की कोई जगह नहीं होती है, सच आप नहीं बोलते। वही डिबेट की शुरुआत करती हूँ, मैं मेहमानों से आपको परिचय कराती हूँ, जहाँ आशीष तिवारी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेश शुक्ला समाजवादी पार्टी से, तो वही विनय त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वही कांग्रेस से श्री कुंवर सिंह निषाद जी। और सबसे पहले कुंवर जी आपसे ही सवाल होगा, आप देश को बताइए, 24 चुनाव अभी खत्म भी नहीं हुआ, राहुल गांधी विदेश में जाकर, चुनाव आयोग और देश में जो चुनावी प्रतिक्रिया यानी कि जो प्रक्रिया होती है निष्पक्ष तरीके से नहीं हुई, इस तरीके के बयान दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है सर? कि राहुल गांधी ने भारत की धरती से बाहर जाकर सबको समान अधिकार की बात कही है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि सबको समान अवसर मिलने चाहिए, समान अधिकार मिलने चाहिए। और वास्तव में जो चुनाव 2024 का संपन्न होगा, यह पूरे हिंदुस्तान भर ने देखा कि ईडी किसके हाथ में थी, सीबीआई किसके हाथ में थी, चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम कर रहा था। तो ये मोदी जी के तोता बन के ये जो संस्था है वो काम कर रही थी। अच्छा। कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल है, कांग्रेस का पार्टी के खाते सीज कर दिए जाते हैं, और यह किसके इशारे पे हुआ ये सर पे देता है। तो इन चीजों को अगर उजागर नहीं करेंगे तो ये लोकतंत्र की हत्या लगातार होती रहेगी,
बार बार इन संवैधानिक संस्थाओं का वो दुरुपयोग होता रहेगा। तो वास्तव में इस तरह की जो बहस है वो होनी चाहिए, और चाहे देश की धरती हो चाहे देश के बाहर हो, यदि इस तरह की जो सच्चाई यदि मोदी जी की सामने आती है, मोदी सरकार की सच्चाई सामने आती है, तो उसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, और सच का सामना करने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में होनी चाहिए। राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, राहुल गांधी अगर इस तरह की बातें विदेशों में जाकर करते हैं तो फिर क्या मैसेज जाएगा? ये हार की खींच कहेंगे या इसे टीस कहेंगे? क्योंकि देश में जब चुनाव के परिणाम आए थे, आप लोग काफी जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे कि भैया इस बार 240 पर ही रोक दिया, इस बार अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव यानी कि जीत नहीं पाई। नहीं, उससे पहले तो पूरा का पूरा मीडिया और आपका चैनल भी 400 पार करा रहा था मोदी जी को। पूरे देश में इस तरह का माहौल बनाया गया था कि आपकी बार 400 पार, मोदी जी को कोई रोकने वाला नहीं है। लगभग सारे के सारे समाचार चैनलों ने ये आंकड़े और फर्जी सर्वे लोगों के बीच में रख दिए थे, उससे जनता प्रभावित हुई। मैं एक चीज कहना भूल गया कि वास्तव में उन्होंने इन संस्थाओं के साथ में मीडिया पर भी लगाम लगाने का काम किया है, मीडिया को भी अपने बस में कंट्रोल में किया है। तो इस तरह की जो चीजें हो रही थी तो उसमें क्या दिक्कत है, उसका सामना करना चाहिए, और सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को माफी मांगनी चाहिए कि भाई हम जो दुरुपयोग कर रहे थे, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, हम संविधान की हत्या कर रहे थे, लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग माफी मांगे। और राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं कि इस देश के कमजोर व्यक्ति को, दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को इसकी गणना होनी चाहिए, इसकी गिनती होनी चाहिए, इसको भागीदारी मिलनी चाहिए, इसको शिक्षा में, नौकरियों में समान अवसर मिलना चाहिए, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्या दिक्कत है? ठीक है, लौटूंगी आपके पास। आशीष जी, वैसे तो विपक्ष कहता है कि बीजेपी जीती नहीं है 2024 के चुनाव में, अपने दम पे आप बहुमत भी नहीं पा पाए। अब जो 240 जो आंकड़े आपके मिले, जो 240 सीटें मिली है, चुनाव आयोग की मेहरबानी रही है इसमें? देखिए आरती जी, पहले तो मैं जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने जो बातें करी उनका भी जवाब दे दूं। उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए होता क्या है कि जैसे एक कॉलेज होता है और उसमें बच्चा शिकायत करता है अपने टीचर से, और जब टीचर से नहीं सुनी जाती है तो वो जो कॉलेज का बॉस होता है, प्रिंसिपल, वो उसके यहाँ शिकायत करने जाता है। राहुल गांधी इस देश में चुनाव लड़ते हैं, इस देश के मुद्दे हैं, इस देश में सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं। राहुल गांधी की बात इस जनता, इस देश की जनता ने नहीं सुनी, तो राहुल गांधी गए हैं अब विदेश में। इसका मतलब ये हुआ, ये विदेश में जिससे बता रहे हैं बैठकर ये सारी बातें, तो इससे तो दो चीजें समझ में आती हैं। पहली चीज कि राहुल गांधी का जो रिमोट कंट्रोल है वो किसी विदेशी ताकत के हाथ में है, क्योंकि वहां पर जाके ये अपना रोना रो रहे हैं सारी चीजों का। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि किसी विदेशी के पास में जाके वहां पर इस तरीके का रोना रोना, और ये पहली बार नहीं हुआ। राहुल गांधी समय समय पर विदेश में जाकर और इसी माध्यम से, इसी तरीके से देश की जो चीजें हैं, देश की जो बातें हैं, देश का जो भी मसला है, उसको विदेश में ये जो कुर्सी डाले आदमी बैठा है जिसको ये बता रहे हैं, ये कौन है? मतलब जैसे इन्होंने ये कह दिया कि वहां पर जो भी समस्याएं हैं भारत देश में, तो वो जो कुर्सी डाले आदमी है वो इनकी समस्याएं सुलझा देगा, या ये उसको क्या बताने की, मतलब ये देश का अपमान करना नहीं हुआ तो क्या हुआ? आप वहां पर जाकर बाहर वालों लोगों को आप बताते हो जाकर, ठीक, आप बाहर वालों को पता क्यों बता रहे हो? चूंकि आपके लगातार चाहने के बावजूद भी इस देश की जनता ने आपकी बात तो सुनी नहीं, तो जब देश की जनता ने नहीं सुनी तो आप बाहर जाके वहां पर पता नहीं क्या क्या बातें बता रहे हो, ठीक। आप अच्छा, एक चीज मुझे और नहीं समझ में आती है कि राहुल गांधी लगातार 2014 से इन्होंने ये जितनी भी चीजें इस आदमी को बताई हैं, ये जो बैठा हुआ है कुर्सी डाले, इसको ये जितनी बातें ये बता रहे हैं बैठकर, अपना रोना पीटना ये बता रहे हैं, आप मुझे ये बता दीजिए कि 2014 से लगातार ये यहाँ पर, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी बता रहे थे जो चीजें, मतलब देश की जनता तो आपको कोई भाव देती नहीं है,
देश की जनता आपको कुछ समझती नहीं है, तो आप इस तरीके के ये जो विक्षिप्तता वाले कार्यक्रम है इनको नहीं करने चाहिए। आशीष जी, देश को बदनाम नहीं करना चाहिए। आपकी हिम्मत है तो इसी देश में रहकर इसी देश की जनता को आप समझाइए। आप यहाँ पर आप करिए। ठीक है राजेश जी, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन और ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा प्रदर्शन किया और उसके बाद जिस प्रकार से प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिले थे उसमें आपने आरोप लगाया कि प्रशासन अच्छा काम नहीं कर पाया, इसलिए लगातार तबादले होते हुए नजर आ रहे, वो आरोप लगाया गया। तो अब राहुल गांधी का आरोप किस प्रकार आप देखते हैं? राहुल गांधी जी का जो बयान है, जैसे भाई साहब ने अभी कहा है कि विदेश जाते हैं, इंडिया की जनता उनकी बातें सुनती नहीं। ठीक है, तो विदेश आज नहीं, आज से जब से भारत आजाद हुआ बहुत नेता गए, सत्ता पक्ष के भी लोग गए और विपक्ष के भी लोग गए। तो ऐसा नहीं विदेश दौड़ा नहीं होता है, विदेश लोग जाते नहीं, प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री गए, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गए, कई लोग गए। इस पर तो कोई रोक नहीं लगा सकता, कौन जाके विदेश जाए या दौड़े पे ना जाए या अपनी बात ना रखे। ठीक है, रखना जन्मिन है। और राहुल गांधी जी ने जो भी वहां बोला वो अपने विचार से अपनी बात उन्होंने रखा, और जो ये कहें कि यहाँ की जनता नहीं सुनी इसलिए वहां की जनता के लिए बोले जा करके, ये बातें तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी लागू होती। विदेश जाते हैं, नमस्ते ट्रंप कराते हैं, मोदी मोदी कराते हैं, दूसरे दूसरे देश में जा करके वहां के लोगों को ला के यहाँ TRP बढ़वाते हैं और लास्ट में मामला होता है टाटा फेस वन, स्थिति ये बनती है। तो इसलिए राजनीति अपने जगह है, लेकिन जो बातें सही है उसको बोलना, आना जाना, ये बातें होना चाहिए। हर व्यक्ति जा सकता है, हर नेता जा सकता है। बिल्कुल। देखिए आरती जी, हमारे लग रहा समाजवादी प्रवक्ता ने मेरी बात सही से सुनी नहीं, इनका दिमाग कहीं और रहा होगा। मैंने एक भी बार ये नहीं कहा कि राहुल गांधी विदेश यात्रा क्यों कर रहे हैं, मैंने एक भी बार नहीं कहा। सुन लीजिए, जनता नहीं सुनी इसलिए विदेश जाके सुना रहे हैं। हाँ, मैंने ये कहा, तो इसमें मैंने जवाब दिया, तो इसमें मैंने ये नहीं कहा कि वो यात्रा क्यों कर रहे हैं। नहीं नहीं, हमने ये नहीं कहा कि क्यों जा रहे हैं। आपने यही कहा कि विपक्ष भी प्रतिपक्ष भी जाता रहा, ये भी जाते। मैंने एक भी बार, राजेश जी, मैंने एक भी बार ये नहीं कहा। मतलब सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, यहाँ की जनता नहीं सुन रही विदेश जाके सुना रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि क्यों वहां पर क्यों जाते हैं उनको जाने। और सुन लीजिए, कोई भी नेता, चाहे अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता कभी भी विदेश गया है, एक बयान भारत विरोधी आप मुझे दिखा दीजिए, एक बयान। इसमें देश विरोधी बयान कहाँ? अरे देश विरोधी बयान नहीं है, बता दीजिए आपने। अच्छा, ऐसा है राजेश जी, देखिए ऐसा है, जो अल्पज्ञान होता है वो थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि अच्छे डिबेटर आए। आप राहुल गांधी जी की पूरी स्पीच सुनिएगा, क्योंकि आपने शायद एक दो लाइनें सुनी है इसलिए आप कंफ्यूज हैं। आप पहले पूरी स्पीच सुन लीजिएगा, हो सकता है इंग्लिश में आपको न समझ में आए, किसी से समझ लीजिएगा और उसके बाद आप बताइए। अगर आपको समझ में आया है तो क्या क्या उन्होंने बोला है, अगर आप उसकी चार लाइनें बता दें मुझे। स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बोला है, जो क्या बोला है, ठीक है, जैसे जाति जनगणना वाली बात हो गई, RSS की बात हो गई, ठीक है, जितनी भी बातें बोली, आम जनमानस का मौलिक अधिकार की बात हो गई, तो जो उसने बोला उसमें गलत क्या बोला। ठीक है। विनय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय जी, जिस प्रकार से राजनेताओं की बयानबाजी सामने आती विदेशों में जाकर, इसका देश पर खासा असर देखने को मिलेगा या फिर देश की जनता इसको कैसे देखती है? विनय जी, देखिए राहुल गांधी का जो वक्तव्य है अमेरिका में, उससे कोई और भले ही आश्चर्यचकित हो, लेकिन मैं आश्चर्यचकित नहीं। राहुल गांधी के पास जो बुद्धि विवेक है उसका वो उपयोग समय आने पे वो करते रहते हैं, और उसका एक उदाहरण एक यहाँ पर भी। देखिए अभी चर्चा जो चल रही थी कि राहुल गांधी ने वहां पे जाके क्या क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, तो हमारे हिसाब से उनका पूरा वक्तव्य सबको सुनना चाहिए। राहुल गांधी ने वहां पे सबसे पहली चीज जो बोली है वो ये बोला है कि चाइना और वियतनाम, वो जो है वहां पे बेरोजगारी कम है और वो मैन्युफैक्चरिंग एक हब है, और इंडिया अभी तक नहीं बन पाया है। पहली चीज तो एक ये बोली। दूसरी चीज उन्होंने लोकतंत्र के ऊपर जो है सवाल उठाए हैं कि वहां पे लोकतंत्र खतरे में है, वहां पे चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहे। जातिगत जनगणना के बारे में बोला है, ऐसे कई मुद्दे हैं, लेकिन
उनका एक तरीका है बात करने का, वो हमेशा से इसी तरीके से बात अपनी रखते चले आए हैं। उनको ये नहीं पता है क्या किस फोरम पे कहाँ पे कौन सी बात बोलनी चाहिए। मुझे व्यक्तिगत तौर पे उनके दो वक्तव्यों से जो है थोड़ा जो है प्रॉब्लम है। एक तो वो जो वो कह रहे हैं कि चाइना और वियतनाम मैन्युफैक्चरिंग हब है और इंडिया नहीं है, हमको चाइना से सीखना चाहिए, जरूर सीखना चाहिए, लेकिन चाइना 70 और 80 के दशक में वो इंडिया से ज्यादा भुखमरी के कगार पे था और उसको आज अगर वो मैन्युफैक्चरिंग हब बना है, वर्ल्ड की 30% वस्तुएं चाइना में अगर बन रही हैं, तो उसके लिए उसने 30-40 साल की मेहनत की है और वहां की जो सरकार थी उसने लगातार जो है देश के लिए काम किया है। अब भाजपा की सरकार तो यहाँ 30-40 साल तो रही नहीं है, तो अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाया, 10 साल में कोई कंट्री मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनती, तो ये उसका जवाब तो खैर राहुल गांधी को ही देना चाहिए। उनको यही नहीं पता है कि हम गोल अपने ही पाले में मारे ले रहे हैं। और दूसरा, उन्होंने जो एक वक्तव्य दिया कि यहाँ पे निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं, वो चुनाव को लेके और लोकतंत्र को लेके जो उन्होंने बात रखी है, देखिए अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं और राहुल गांधी को भारतीय संविधान में और कानून व्यवस्था में आस्था है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन शायद वहां पे उनकी आस्था नहीं है, तो उन्होंने एक दूसरा मंच चुना, वो विदेश में जाके और यहाँ के लोकतंत्र और यहाँ की जो चुनावी प्रक्रिया है उसके ऊपर उंगली उठाते हैं। और वो ये भूल जाते हैं, देखिए राहुल गांधी ना तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ना ही कोई उनके पास कोई ऐसी, अगर सांसद के नाते उनको वहां पे बुलाया भी नहीं गया है, वो क्या है, नेता प्रतिपक्ष है, जिस लोकतंत्र की वो धज्जियां उड़ा रहे हैं अमेरिका में, उसी लोकतंत्र ने उन्हें नेता विपक्ष बनाया है और उस हैसियत से वो वहां पे गए हैं। अदरवाइज अमेरिका तो राहुल गांधी जैसे तो यहाँ तो 543 सांसद है, तो सबको तो बुला नहीं लेगा, सबको इनवाइट करेगा नहीं। उनको यही नहीं पता है कि हमको जिस लोकतंत्र की हम बुराई कर रहे हैं, उसी लोकतंत्र ने हमें नेता प्रतिपक्ष बनाया है, मुझे जनता की आवाज के रूप में खड़ा किया है, ठीक है, और उसी जनता को लौटूंगी आपके पास विदेश में जाके। कुंवर जी साहब, पहले आप लोग ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते थे और अब चुनाव आयोग पर आरोप कि उन्होंने पक्षपात तरीके से कार्रवाई की, ये बात हलक से नीचे उतरती हुई नजर नहीं आ रही, ये दलीलें कुंवर सिंह जी? देखिए कुछ दलीलें ऐसी हैं कि हलक के नीचे उतरेंगी भी नहीं। अभी आदरणीय पत्रकार महोदय बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, अगर ये सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज नहीं हो पाती इलेक्टोरल बॉन्ड पे, और उस इलेक्टोरल बॉन्ड पर कई बार चुनाव आयोग के सामने उसका के लिए बात कही गई, लेकिन चुनाव आयोग ने समय नहीं दिया। ईवीएम पर भी चर्चा करने के लिए पूरा इंडिया अलायंस गया था चुनाव आयोग में, लेकिन चुनाव आयोग ने समय नहीं दिया। किसके कहने पर समय नहीं दिया, किसके कहने पर चुनाव आयोग काम कर रहा था, यह बहुत गंभीर विषय है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय बता रहे थे, बड़े विद्वान हैं और बाकी सबको बड़ा अल्प ज्ञान है, बता रहे थे कि इनको लगता है जैसे पुरानी फिल्मों में घिसा पिटा डायलॉग होता था कि एक विलन कहता था कि इसमें तो विदेशी शक्तियों का और विपक्ष का हाथ है, तो जो भी इस देश में घटित होता है वो विदेशी शक्तियों का और विपक्ष का हाथ उसमें होता है। ये विदेश जाने की बात कर रहे थे कि विदेश जाकर ये कहते हैं, विदेश जाकर ये कहा और विदेश जाकर क्या कहे, तो इनके जो प्रेरणा पुरुष हैं आडवाणी जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये विदेश में जाते हैं और विदेश में भी उस व्यक्ति की मजार पर जाते हैं जो पाकिस्तान का जिसने निर्माण किया, मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर जाकर शरणागत होते हैं, सर झुकाकर आते हैं। तो हमें इनसे सीखने की जरूरत नहीं है कि विदेश में जाकर क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, हमें आरएसएस से सीखने की जरूरत नहीं है कि विदेश की धरती पर जाकर समान अधिकार की बात करनी है कि नहीं करनी है, हमें इनसे सीखने की जरूरत नहीं है कि विदेशी धरती पर जाकर हम ये कहें कि भारत में 200 प्रमुख उद्योगपतियों में से केवल एक ओबीसी कार्ड से है, तो यह देश के जो शर्मनाक विषय है, यह भारतीय जनता पार्टी का जो वास्तविक चेहरा है जो उजागर होता है, उसको इनसे सीखने की जरूरत नहीं है। इनको लगता है कि सारी साजिश कांग्रेस की है, मणिपुर में जो घटना हुई वो साजिश कांग्रेस की लगती थी, जो गौरी लंकेश की हत्या हुई वो साजिश कांग्रेस की लगती थी, क्या रोहित वेमुला की हत्या हुई वो साजिश कांग्रेस की थी, और एक बहुत विद्वान व्यक्ति लक्ष्मण यादव, उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया,
क्योंकि उन्होंने आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ बोला, तो क्या वह भी कांग्रेस की साजिश थी? उत्तर प्रदेश में जहां हम लोग बैठे हैं वहां पर 69,000 शिक्षकों में से ओबीसी के छात्रों का हक मार के दूसरे वर्ग के लोगों को दे दिया जाता है, क्या यह साजिश भी कांग्रेस की थी? क्या यह बताने का कष्ट करेंगे? वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ठीक है बिल्कुल जवाब ले लेते हैं, उनका सामना नहीं करना चाहती है। आशीष जी जवाब दे दीजिए। अब देखिए आरती जी, मैं तभी कहता हूँ कि थोड़े पढ़े लिखे प्रवक्ता अगर आते हैं तो बात करने में अच्छा लगता है, क्योंकि बात यहाँ पर राहुल गांधी का विदेश में जाकर जिस प्रकार से जो हेट स्पीच इन्होंने करी है, जो भारत के खिलाफ जो इन्होंने जहर उगला है, बात वहाँ हो रही थी। लेकिन यही घिसे पिटे डायलॉग की बात ये करते हैं और घिसे पिटे डायलॉग हर प्रवक्ता कांग्रेस का एकदम बिल्कुल है कि कांग्रेस प्रवक्ता अगर मणिपुर को अपनी हर डिबेट के अंदर में ना लाए तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर राहुल गांधी की कि राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर जाकर जिस प्रकार से भारत के खिलाफ, भारत की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ जहर उगलने का काम किया है। और आप देख लीजिए, ये मैं सभी कहता हूँ कि पढ़े लिखे प्रवक्ताओं को बुलाइए, क्योंकि इनका नंबर नहीं था, ये अभी तक बोल रहे थे और मैं शांति से सुन रहा था, इसीलिए मैं कहता हूँ आरती जी कि पढ़े लिखे प्रवक्ताओं को बुलाइए, कहीं से भी गली छाप सड़क छाप प्रवक्ताओं को मत बुलाया करिए, अब ये लगातार बोलेंगे और ये देखे ये बताएंगे अभी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रवक्ता जो भी हो देख लीजिए, देख लीजिए अब ये बोलेंगे लगातार, देख लीजिए ना, देख लीजिए। तभी मैं आरती जी कहता हूँ कि सड़क से उठाकर प्रवक्ता मत लाया करिए, पढ़े लिखे लाइए, जो मुद्दे की बात करे, जो जिस दिन का मुद्दा हो उस दिन पर उस पर बात करे, ना कि उठा के हर मुद्दे में आप मणिपुर डाल देते हैं, हर मुद्दे में आप उठा के कोई एक वो डाल देते हैं और लगातार देख लीजिए। अब ये ऐसे प्रवक्ताओं को अगर आप बुलाएंगे तो फिर आप डिबेट थोड़ी करा पाएंगे। पढ़े लिखे अभी भी देख लीजिए, अभी भी लगातार ये सिर्फ बोलने का काम कर रहे हैं, जबकि इनको आप 3 बार मना कर चुकी हैं, और जब ये बोल रहे थे अभी देखिए फिर बोलेंगे। तभी मैं कहता हूँ कि थोड़े ठीक ठेक डिबेट इस प्रकार से ये राहुल गांधी की सुई उद्योगपतियों पे हो जाती है। 200 बड़े उद्योगपति उनमें से एक एसटी, इसके बाद नौकरशाह की अगर बात करूं तो नौकरशाह हो मैं गुण यानी कि गिने चुने ओबीसी एससी एसटी, लेकिन यहाँ जो इतनी बड़ी पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन होती है अभी एससी एसटी ओबीसी के मामले में किस तरीके से मोदी सरकार ने जो काम किया वो तो देखा ही है, उसको क्यों नजरअंदाज कर देते आप लोग कांग्रेस और इंडिया गठबंधन वाले? उनको कहां हिस्सेदारी मिल पा रही है? कहां? जातिगत जनगणना बात हो रही है, पिछले कई सालों से बातचीत चल रही है, उठा करा ले, दिक्कत क्या है? इनको कौन मना किया? करा ले ठीक है, जिस प्रकार से आरक्षण जाति, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और यहाँ कोई भी व्यक्ति, चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे आप हो, कभी भी किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं किया जाए। मैं समझता हूँ आप ज्ञानी, अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी कि आप और हमसे भी ज़्यादा ज्ञानी हो और मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप और आगे बढ़िए, लेकिन बार बार चैनल पे आकर के किसी भी व्यक्ति को सड़क छाप, जाहिर, लफंगा, ये सब शब्द यहाँ शोभा देता नहीं, ठीक है, फिर भी मेरी दुआएं इनके साथ हैं, खूब तरक्की करें और आगे बढ़ें भारतीय जनता पार्टी। जिस प्रकार से देख रहे हैं कि लगातार इस पर बयानबाजी हो रही है, विनय जी क्या कहेंगे आप? देखिए अभी हमारे कांग्रेस के साथी जो बोल रहे थे कि हमारी बात को ही उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने वहां पे अमेरिका में क्यों बोला, मैं शायद अगर गलत नहीं हूं तो उन्होंने शायद ये बोला था कि इलेक्टोरल बॉन्ड यहां पे उसका जब उजागर हुआ, तो मैं अपने भाई को ये बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड ये कौन लेके आया था? ये भाजपा सरकार ही लेके आई नहीं, इससे पहले क्या था कि चंदा कौन सी कंपनी किस पार्टी को दे रही थी, ये सब अंडर द टेबल था। कम से कम इस बॉन्ड के वजह से ये पता तो चला कि कौन पार्टी, सॉरी कौन सी कंपनी, कौन सा बिजनेस ग्रुप किस पार्टी को कितना चंदा दे रहा है, पहली चीज। दूसरा उन्होंने ये चीज ये बोला कि निर्वाचन आयोग
वो हमारी पार्टियां जो है समय मांगती हैं, विपक्ष की पार्टियां वो समय नहीं देते हैं, तो उनकी बातों से तो ऐसा लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग में ही उनकी आस्था नहीं है। अब ये चीज अगर ऐसा वो कहना चाह रहे हैं तब तो फिर भारत के संविधान और यहाँ के लोकतंत्र को भगवान ही बचाए। और दूसरी चीज, मैं राहुल गांधी के जो अमेरिकी विजिट है उसके ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर उनको कोई बात रखनी है, वो नेता प्रतिपक्ष है, वो सदन में रख सकते हैं और वो हिंदुस्तान में रख सकते हैं। उसके लिए विदेश में जाके कोई अमेरिका का कोई प्रतिनिधि यहाँ पे आके बोलता है कि अमेरिका में लोकतंत्र खतरे में है, किसी भी देश का प्रतिनिधि किसी दूसरे जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है किसी दूसरे देश में जाके कोई एक वक्तव्य निकाल दीजिए जो किसी एक देश के व्यक्ति ने जो संवैधानिक पद पर बैठा है किसी दूसरे देश में जाके उसने ये बोला हो कि हमारे देश में लोकतंत्र खत्म है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, चुनाव प्रणाली सही से नहीं हो पा रही है। अगर चुनाव प्रणाली सही नहीं हो पा रही तो आप उनको चैलेंज करिए, लेकिन आप बाहर जाके ये सस्ती राजनीति अगर आप बटोरने की कोशिश कर रहे हैं तो भगवान आपका भला करे। वैसे भी आप इतने दिन से जो है मतलब संघर्ष कर रहे हैं और कुंवर जी जवाब दे दीजिए, आगे दिखाई पड़े। कुंवर जी जवाब दे दीजिए जी। जिस प्रकार से आरक्षण खत्म करने की बात कहते हैं आप लोग विदेशों में जाकर, इससे पहले भी कई बार विदेशी दौरे पर जाते हैं। एक चीज मैं आपको दस सेकंड में समय लूंगा। रही चीज वो जाति जनगणना की बात जो है, जातिगत जनगणना देखिए कांग्रेस की एक कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, 2 साल से उन्होंने जातिगत जनगणना करवा ली, लेकिन उसका जो डाटा है वो पब्लिक नहीं कर रहे हैं। अब पूरे हिंदुस्तान में वो जातिगत जनगणना कराना चाह रहे हैं, अच्छी चीज है, होना चाहिए, लेकिन कर्नाटक सरकार ने 2 साल पहले करा लिया है, उसके आंकड़े क्यों नहीं पब्लिक पटल पे रख रहे हैं? ठीक है, जवाब दे दीजिए कुंवर जी। आरक्षण खत्म करने की बात और जो अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार विनय जी बता रहे थे उस पर जवाब दे दीजिए। देखिए किसी भी शब्दों को तोड़ मरोड़ कर इसी तरीके से पेश किया जाता है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा उसका अर्थ का अनर्थ कैसे करना है वो उसी प्रकार से होता है। वास्तव में राहुल गांधी जी ने कहा कि जब तक सबको समान अधिकार नहीं मिल जाते तब तक आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता है और ना आरक्षण तब तक समाप्त करना चाहिए, उनका स्पष्ट ये कहना है। लेकिन इस पे इसको गलत तरीके से पेश करना है, इस पर वास्तव में मुझे बेहद खेद भी है और आपत्ति भी है। राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की जो बात कही है, जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक किसी को समान भागीदारी कैसे मिलेगी? इस देश में पेड़ों की गिनती होती है, इस देश में पशुओं की गिनती होती है, इस देश में पंछियों की गिनती होती है, इस हमारे देश में जो गिद्ध जो लगभग विलुप्त प्राय है उनकी भी गिनती होती है, तो इंसान की और जातियों की गिनती क्यों नहीं हो सकती? और जब तक उनकी गिनती नहीं होगी, उनका शैक्षिक आर्थिक आधार पर उनका सर्वेक्षण नहीं होगा, सामाजिक राजनीतिक आधार पर उनका सर्वेक्षण नहीं होगा, तब तक हम उनको किस प्रकार से हम किस तरीके से हम उनको भागीदारी दे पाएंगे? तो वास्तव में इस देश के सभी वर्गों को सभी जातियों को समान अधिकार देने के लिए सर्वप्रथम उनकी जाति का जनगणना आवश्यक है। और यह भारतीय जनता पार्टी भले ही इस पर कितना विरोध करे, आरएसएस को भले ही कितनी आपत्ति हो, लेकिन कांग्रेस की जब सरकार बनेगी तो जातिगत जनगणना होगी। और यदि भारतीय जनता पार्टी अभी इसके लिए प्रयास करेगी तो हम पूरी ताकत से जातिगत जनगणना की मांग करते रहेंगे। किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह सबके साथ न्याय और सबके भागीदारी देने की यह बात हो रही है। ठीक है आशीष जी, साल 2018 में जब यूपीए की सरकार थी, पीएम मोदी ओमान के दौरे पर होते हैं तब वो सीधे तौर पर यूपीए सरकार को घेरते हैं, कहीं ना कहीं वो भी तो बयानबाजी सही नहीं थी ना? नहीं देखिए, मैं पहले तो जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 2004 से 2014 तक आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं करा ली थी? आपको इस बात का जवाब देना चाहिए ना कि आपने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम कराएंगे। आपकी सरकार थी 10 साल, आप करा लेते, आपने नहीं कराया। दूसरी बात, आप ये बोलते हो कि राहुल गांधी ने आरक्षण के ऊपर ये कहा कि जब तक सबको समान अधिकार नहीं दिला लेंगे तब तक हम आरक्षण नहीं ख़त्म करेंगे, ये बात बिल्कुल गलत है।
उनसे जो क्वेश्चन करा गया था आरक्षण पर, तो उन्होंने, उनके ये शब्द थे, उन्होंने ये कहा था कि आरक्षण कब ख़त्म करना है, उसका जब समय आया, सही समय आएगा तो हम बता देंगे, उन्होंने ऐसा करके बोला था। तो निश्चित तौर पर ये गलत चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। और फिर मैं मुद्दे पर ही रहता हूँ, मैं आज बिल्कुल इधर उधर नहीं जाऊँगा, मणिपुर और इधर उधर, क्योंकि आज मुद्दा जो है वो बड़ा गंभीर है और उसको डिरेल करने की लगातार कोशिश भी करी जाएगी, ये भी मैं जानता हूँ। देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ और अब हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी अभी ये बात कही कि आप विदेश की धरती पर जाकर आप यहाँ के जो आंतरिक मुद्दे हैं, अगर आपको उनसे कोई भी चैलेंजिंग है उसमें, तो आप यहाँ पर संसद का सहारा लो, आप यहाँ पर कोर्ट का सहारा लो, आप यहाँ पर, आप ये कहते हो कि नहीं, इतनी बड़ी जो जनता है वो आपके साथ में है, तो आप उसके बीच में ये बात डालो ना। आप वहाँ पर बैठकर विदेशों में, और ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले जब ये यूके में गए थे तो वहाँ पर भी राहुल गांधी ने जिस प्रकार से भारत के विरोध में जो बयान दिए थे वो भी निंदनीय थे। आज भी आप भारत की अस्मिता को खराब क्यों करना चाहते हो? आप वहाँ बाहर पर जाकर वहाँ पर इस तरीके की जो भी बातें करते हो वो निश्चित तौर पर वो सही नहीं है। आपको ये बात तो बिल्कुल, इसके लिए क्षमा भी मांगनी चाहिए। आपको जो करना है आप यहाँ भारत में कर लो ना, आपको जो भी बातें करनी है, लेकिन बाहर जाकर आप जातिगत जनगणना आप बाहर उसको मुद्दा बनाते हो, उससे क्या फर्क, उससे मिलने क्या वाला है? आप अगर कोई भी मुद्दा मैं कहता हूँ आप वहां पर जाकर बोलते हो तो निश्चित तौर पर भारत के लिए वो गलत है। राजेश जी, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में आप इस बार उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं, 37 सीटें मिली हैं, अब राहुल गांधी जाकर वहां पर कहते हैं कि चुनाव आयोग गड़बड़िया कर रहा है, कैसे हो गया फिर 37 सीटें आपको मिल गई, बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं आप? जैसे जहां तक हम समझते हैं कि ईवीएम के प्रति आम जनमानस में अविश्वास है, ठीक है, तो कोई जीतता है कोई हारता है, हम लोग भी जीते कभी हारे, लेकिन आम जनमानस का जो अविश्वास है तो सरकार को एक बार ईवीएम हटा के भी चुनाव करा लेना चाहिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। बाद में जो अगर नहीं पब्लिक उससे सेटिस्फाई होती है तो फिर से ईवीएम लॉन्च करें। एक बार करने में दिक्कत क्या, केवल भारतीय जनता पार्टी को ही दिक्कत होती है कि ईवीएम से, बाकी और सारी पार्टियां कह रही है ईवीएम हटा के और बैलेट से चुनाव। ठीक है आशीष जी, जवाब दीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी की मैं परेशानी समझ सकता हूँ, जो जिस प्रकार से मैं बोलूं राजेश जी, देखिए जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी, आपको पता है इनका इतिहास भी पता होगा, किस प्रकार से बूथ कैप्चरिंग होती थी, और बूथ कैप्चरिंग जब जब हुई है तब तब समाजवादी पार्टी सत्ता में आती रही है। तो निश्चित तौर पर ये लोग जो हैं ये इस चीज को बिल्कुल मानेंगे। और देखिए, ईवीएम को लाने वाले कौन थे? कांग्रेस के लोग थे, ठीक, हमने उनके, चलो उस पर हमने माना कि चलो ठीक है, आप जो अगर कोई नई प्रक्रिया नई विधि से आप चुनाव कराना चाहते हो कराओ। और मैं ये कहता हूँ, समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतती है उत्तर प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें वो जीत जाती है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए उनको, उनको उस बात पर चुकी है क्या ना कि इनको ईवीएम पर भरोसा नहीं, चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं, ईडी पर भरोसा नहीं, सीबीआई पे भरोसा नहीं, अभी मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ तो पुलिस पे भरोसा नहीं, इनको देश की जनता पे भरोसा नहीं, इनको भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं, इनको न्यायालय पे भरोसा नहीं, इनको तो दुनिया की किसी चीज पर भरोसा है ही नहीं। तो ये जो ना भरोसे वाले लोग हैं इनको आप कितना सेटिस्फाई करेंगे? इनको आप कहीं नहीं सेटिस्फाई कर पाएंगे। और बैलेट से चुनाव करा के समाजवादी पार्टी का इतिहास पूरा देश जानता है कि किस प्रकार से बूथ कैप्चरिंग होती थी और किस प्रकार से ये लोग वहां पर चुनाव जीतने का काम करते थे। अब निष्पक्ष चुनाव हो रहा है तो समस्या इनको हो रही। अरे हमको अगर समस्या होती या हमको ईवीएम से अगर कुछ ऐसा ही होता जैसा आप लोग प्रचारित करते हो तो उत्तर प्रदेश के अंदर में 37 सीटें महोदय आप नहीं जीत कर आ पाते। भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीतती लेकिन सीटें आपने जीती, उसके बावजूद भी हमने एक भी बार नहीं कहा कि नहीं ईवीएम पे दिक्कत है। और भी कई जगह, आप कर्नाटक में आपकी सरकार बन गई, हमने नहीं कहा कि वहां पर ईवीएम की दिक्कत है, हिमाचल का चुनाव या पूरे देश में कहीं का चुनाव हो, आप जहां जहां जीतते हो हम कभी नहीं कहते हैं। और अगर हमारी इतनी ही सेटिंग हो
तो आप सर कभी चुनाव ही नहीं जीत पाओ, इस बात को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जवाब दे दीजिए। हमने ये नहीं कहा कि केवल समाजवादी पार्टी को दिक्कत है, हमने कहा देश की सारी पार्टियों को दिक्कत है। और ईवीएम का सबसे पहला चुनाव आयोग को कंप्लेन किए थे तो राजेश जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया था 2009 के चुनाव। जिस प्रकार से राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष है वो कहते हैं कि ईवीएम का अगर हैक करने की अगर कोई आप अपने आप से वो ले आइए, हैकर्स ले आइए या फिर कोई आप खुद चेक कर लीजिए, तो फिर क्यों नहीं जाते आप? इतनी सफाई देने की जरूरत ही क्या है जब जनता चाहती है? कोई जनता नहीं चाहती है। आपके कहने से अगर ईवीएम से दिक्कत हो तो फिर नोटा सबसे ज्यादा दबे। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मैं आपके बात का जवाब दिए दे रहा हूँ। अगर जनता को दिक्कत हो तो सबसे ज्यादा नोटा दबे। अगर जनता को दिक्कत हो, नोटा के भी ऑप्शन इसीलिए लाया गया था। जहाँ छोटे चुनाव होते हैं नगर पंचायत के, जिला पंचायत के, आखिर वहाँ समाजवादी पार्टी क्यों जीत जाती है चुनाव? बस आप मेरे एक बात का जवाब दीजिए भाई, कहाँ जीत जाती है? हर जगह, हमारे जिले में, मैं बस्ती का रहने वाला। अरे एक बस्ती में आप जीत गए, अगल बगल बस्ती, अम्बेडकर नगर। अरे तो आप पूरे अगर प्रदेश का उठा देख लीजिए, जिला पंचायत सदस्य किसके जाते हैं? अरे तो आपके 37 सांसद भी तो जीत गए हैं। आपके 37 सांसद भी तो जीत गए भाई। आप जिला पंचायत की बात कर रहे हैं, हम सांसदों की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश नहीं, देश में आम जनमानस चाहता है बैलेट पेपर। तो नोटा सबसे ज्यादा दबे। अगर देखिए, नोटा का ऑप्शन ही इसीलिए लाया गया था शुक्ला जी, कि जिसको नहीं पसंद है वो नोटा दबा दे, और अगर जिसको भी इस प्रक्रिया से दिक्कत हो तो वो नोटा दबाएगा। बात का जवाब आप नहीं दे पाए। हम कहते हैं, आप खुद मार्गदर्शन करके कहिए ना, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव नहीं, नहीं क्यों कराइए आप बताइए ना। चुनाव आयोग आपको बुलाता है, आपको कहता है कि विदेश का कोई, विदेश में आप लोग बहुत जाते हो, आप कोई एक्सपर्ट लेके आ जो हमारी मशीन को आप गलत साबित कर दो, तो आपके इस तरीके से आपके कहने पर थोड़ी हो जाएगा। एक बार कराने में क्या दिक्कत? नहीं नहीं, दिक्कत यही है ना भाई, आप आज ये कह रहे हो, कल आप कह दोगे कि ऐसा है कि साइकिल पंचर बनाने वाले को एक बार आप वो उसका जज बना के क्यों नहीं आप लोग एक बार कर देते हो भाई? इस तरीके ये फालतू की बातें नहीं, कोई आम नहीं, नहीं तो नोटा दबता, तो नोटा दबता। आप नोटा नहीं दबाए तो फिर आपकी बात गलत है, आप ऐसा कुछ नहीं है। कल को आप कोई और ले आएंगे मांग, केवल एक समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे भारत में विपक्ष की सारी पार्टी। नहीं नहीं, जो जो हार रही है उनको तो दिक्कत हो ही रही है, हम लोग तो जीत के कह रहे हैं। नहीं नहीं, आप वही तो, मैं यही तो मैं कह रहा हूँ, तो फिर आप अगर ये ईवीएम इतना ही गलत है तो आप जीत कैसे रहे हो भाई? आप इसका जवाब दो ना, पूरी बात सुनते नहीं है। सुन लिया, हमने कहा कि आम जनमानस की अविश्वास की बात है, जीत हार लगा रहता है, पार्टियां हारती हैं जीतती हैं, लेकिन आम जनमानस के विश्वास जीतने के लिए एक बार ईवीएम हटा के चुनाव कराने। मैंने भी आपको, मैं भी स्पष्ट ही बता रहा हूँ, अरे मैं भी स्पष्ट बता रहा हूँ कि नोटा का एक ऑप्शन होता है। अगर जो आम जनमानस वाकई में आपके कहने के अनुसार किससे नहीं सेटिस्फाई, नोटा क्या होता है? कम लोग दबाते हैं। हाँ, तो इसीलिए कम दबाते हैं क्योंकि उनको इस प्रक्रिया पे भरोसा है, ठीक है ना, इस प्रक्रिया पे भरोसा है। वरना अगर इस प्रक्रिया पे भरोसा ना हो तो वो नोटा दबाए। मैंने 2004 में जब अटल जी की सरकार गिरी, कांग्रेस की सरकार आई, उस पे कोई दिक्कत नहीं। 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, सबसे पहले ईवीएम के खिलाफ यही चुनाव आयोग को लेकर के, उनको भी अविश्वास था भारतीय। अरे था तो क्या हटा दिया गया? हटा दिया तब, नहीं नहीं हटा दिया तब, यही बीजेपी के लोग, सुषमा स्वराज जी वगैरह लोग चुनाव आयोग के पास गए, हम क्यों ना जाएं? नहीं नहीं, तो आप जाओ ना, तब भी चुनाव आयोग ने नहीं हटाया था, अभी भी नहीं हटा रही है, अविश्वास है आपके नेता। अरे तो ठीक है ना, हमारे अविश्वास से कुछ नहीं होता, चुनाव आयोग निष्पक्ष होता है, चुनाव आयोग साबित करेगा। हम लोग देश के नागरिक हैं, हमारे एक वोट से सरकारें बनती हैं और बिगड़ती, हमारा पूरा अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है, नहीं अधिकार है, लेकिन चुनाव आयोग जान लीजिए, चुनाव कौन होते हैं ये जान लीजिए आप। हम भाई चुनाव आयोग, आप सरकार बनाने बिगाड़ने वाले लोग होते हैं, चुनाव आयोग इसका फैसला करेगा, हम और आप नहीं करेंगे, हम आप अपनी बात करेंगे खाली, मनमानी करेगा। बताइए आप मनमानी कह रहे हैं उसको, क्या मनमानी करी? बाहर ईवीएम पकड़े जाते हैं, गाड़ियों में ईवीएम पकड़ी जाती है, हजारों शिकायत। कहाँ पकड़ी गई आप बताइए, कहाँ पकड़ी गई है? अभी मेरठ में देखिए विवाद हुआ था, पूरा वीडियो सहित वायरल हुआ था, नहीं, पकड़ी कहाँ गई थी, क्या पकड़ा गया था उसमें? वीवीपैट की बहुत पर्ची स्लिपे, अभी इसी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 200
सब आपको अभी मैं सब दे दूंगा। हाँ मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरी संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है। आप कोई और अगर चुनाव आयोग अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट सो मोटो उसका संज्ञान ले लेता। आप इस बात को समझ लीजिए। कोई अविश्वास नहीं, कोई अविश्वास कहीं नहीं है। कुंवर जी, ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने लोकसभा चुनाव के समय जनता में भ्रम फैलाया था कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, और यही भ्रम वो विदेशों में जाकर फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। कुंवर जी, सारी चीजें भ्रम दिखाई दे, क्योंकि तो भारतीय जनता पार्टी भ्रमित है और भारतीय जनता पार्टी की बातें सुनने वाले लोग भी भ्रमित हो गए। और वास्तव में इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी ने जी ने जो कहा इसमें निसंदेह कोई इसमें बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी, और उसका उन्होंने साक्षात नमूना पेश किया। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती होती है और उनका आरक्षण भारतीय जनता पार्टी खा जाती है। तो यहाँ धीरे धीरे करके शुरुआत है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और भारतीय जनता पार्टी की इन चीजों को एक्सपोज ना हो इनके लिए भारतीय जनता पार्टी बिल बुलाती है, भारतीय जनता पार्टी रोती है, भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होती है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि इनको किसी चीज पे कोई विश्वास नहीं है, इनको ईडी सीबीआई सुप्रीम कोर्ट किसी पे कोई विश्वास नहीं है। भाई हम तो विश्वास करते हैं, क्योंकि ईडी जो कार्रवाई करती है वो केवल विपक्ष के नेताओं पर करती है, सीबीआई जो कार्रवाई करती है वो विपक्ष के नेताओं पर करती है। और इस देश में अगर कोई छटा हुआ बदमाश, छटा हुआ कोई दुराचारी, छटा हुआ घोटालेबाज अगर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ले तो वह दूध का धुला हुआ हो जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो वॉशिंग मशीन बन गई है, वहां से निकलने के बाद लोग स्वच्छ होते हैं। ऐसे कुछ स्वच्छ हुए लोगों का मैं नाम बताना चाहूंगा, हेमंत विश्व शर्मा शारदा घोटाला करते हैं भाजपा में गए स्वच्छ हो गए, शुभेंदु अधिकारी शारदा घोटाले के आरोपी थे, बी एस येदुरप्पा पे खनन घोटाले का बहुत बड़े खनन घोटाले का आरोप लगा जी, जितेंद्र तिवारी कोयला चोर नारायण राणे महाराष्ट्र सोसाइटी घोटाला करते कि आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाते हैं, और अब कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी अगर भविष्य में तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। कैसे दिख देखिए आप इस तरह की बातें बिना आधार के इस तरह की बातें नहीं कह सकती, और ये गलत बयानी मैं बिल्कुल भी मैं आपके चैनल पे कहना चाहूंगा, पहले राहुल गांधी जी की बात को सुना जाए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि आरक्षण खत्म करने की कोई स्थिति नहीं है, जब तक सबको समान अधिकार ना मिल जाए तब तक आरक्षण समाप्त नहीं किया जाएगा और ना हो सकता है। राहुल गांधी जी ने जो कही है ये बात पिछड़े दलितों के हक में कही है, उनके हित में कही है, इस बात का तोड़ मरोड़ कर पेश करने की मैं समझता हूँ कोई आवश्यकता नहीं है, और टीवी के माध्यम से लोगों को गुमराह करने की भी इस चीज में कोई आवश्यकता दिखाई नहीं देती है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मेरा ये कहना है घोटालों पे डरती है, ये अपने जो कुकर्म है उन पर डरती है, इसको एक्सपोज ना हो इस पर भारतीय जनता पार्टी। ठीक है कुंवर जी, देखिए बात यह नहीं है कि राहुल गांधी ने क्या कहा, यह तो मुद्दा ही नहीं है ना, यह तो मुद्दे को फिर इन्होंने घुमा दिया। बात यह है, ये तो राहुल गांधी भारत में भी कहते रहे हैं, 2014 से ये चिल्ला रहे हैं, ठीक है, हर चुनाव में चिल्लाते हैं, और अभी यात्रा निकाली उसमें भी ये सब बातें कर रहे थे। बात ये मुद्दा ये नहीं है यहां पर कि राहुल गांधी ने क्या कहा, मुद्दा यहां पर यह है कि राहुल गांधी ने कहां कहा। ये जो बातें हैं ये विदेश की धरती पर जाकर ये बोलने की आवश्यकता क्या है भाई? आप अपने भारत देश में ये बातें करिए ना, आप यहाँ के लोगों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप बात करिए ना, आप यहाँ के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर चुनाव आयोग की बात करें तो ठीक है ना, आप यहाँ के चुनाव आयोग की बुराई अगर आप विदेश में करेंगे जाकर, यहाँ के लोकतंत्र की बुराई अगर आप विदेश में करेंगे जाकर, तो मुद्दा यह है ना कि आप विदेश में जाकर भारत के प्रति संदेश क्या देना चाहते हैं? आप ये बताना चाहते हैं कि भारत में ये सब बेकार है, लोकतंत्र है नहीं, वहां पर चुनाव आयोग का कोई मतलब नहीं है? ये सारी बातें आप विदेश की धरती पर क्यों कर रहे हैं? यहां पर ये प्रश्न नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या कहा, आपने जो कहा वो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पर भी कहते हैं आप वहां पर भी कहकर आए, हमें आपके कहने से कोई दिक्कत नहीं, हमको दिक्कत यह है कि ये बातें आपने विदेश में की धरती पर बैठकर वहां पर वहां से कहने का क्या मतलब है भाई? आप यहां पर विदेश की बातें, यहां तो कोई करने नहीं आता विदेश का नेता,
मुझे बताइए अगर कोई अमेरिका का जहां पर आप गए हो वहां का कोई आदमी आके यहाँ के लोकतंत्र वहां के लोकतंत्र को बताता हो या वहां के किसी चुनाव प्रक्रिया को बताता हो या दिक्कत को बताता हो। मुझे तो आज तक कोई ऐसा किसी छोटे से छोटे सोमालिया उमालिया जैसे देशों के नेताओं में नहीं दिखा। लेकिन ये राहुल गांधी इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रतिपक्ष के नेता होते हुए और इनके 40-50 साल इन्होंने खुद इस देश में राज किया है और उसके नेता उसके परिवार के आप वहां पर जाके बता रहे हो दिक्कत यहां पर है समस्या ये है प्रश्न ये नहीं है कि क्या कहा, प्रश्न ये है कि कहां कहा और क्यों कहा, ये प्रश्न है। ठीक है कुमार जी, लौटूंगी आपके पास, पहले मैं विनय जी के पास जाऊंगी। विनय जी, जैसे मैं राहुल गांधी के बयान देख रही थी कि मैं मोदी से नफरत नहीं करता, वो पहले कहते हैं हमारे विचार अलग अलग हैं, तो फिर कहते हैं कि 56 इंच का सीना जैसी बातें अब खत्म हो चुकी हैं। सालों तक देश में डर और भ्रम का माहौल बनाया गया, ईडी सीबीआई जैसे निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी 240 के आसपास भी ना भटकती, यानी कि 240 सीटें भी ना मिल पाती। मोदी आरएसएस भूतकाल की बात करते हैं, ये भारत के लिए खतरनाक है, हम जातिगत जनगणना के पक्ष में है। ये सारी मुद्दों को कैसे देखते हैं आप? देखिए अब वो कहते क्या हैं, उनकी बातों को ज्यादा इसलिए तवज्जो नहीं देना चाहिए कि वो अपनी ही बातों को लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं रखते हैं। उनके वक्तव्य देखिए बार बार वो बदलते रहते हैं राहुल गांधी जी। अब निष्पक्ष चुनाव, अगर वो ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं हिंदुस्तान में, तो उसके लिए हिंदुस्तान में व्यवस्था थी, आप उस व्यवस्था के सहारे जो है आगे बढ़ते और यहाँ पे कोर्ट था वहां पे चैलेंज करते। अगर आपको निष्पक्ष चुनाव नहीं लगे तो फिर आपने ये क्यों कहा, पहले तो आपने ये बोला कि हमने भाजपा को रोक दिया, विपक्ष जीत गया, विपक्ष मजबूत हो गया, ये सारी चीजें कहते रहे। 6 महीने तक तो यही, 4-5 महीने तक तो यही रहा मामला कि हमने भाजपा को रोक दिया, भाजपा को हरा दिया, भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं लाने दिया, विपक्ष मजबूत हुआ। अरे विपक्ष अगर मजबूत हुआ है तो इसी लोकतंत्र में तो मजबूत हुआ है, इसी लोकतंत्र ने और इसी निर्वाचन आयोग ने विपक्ष को मजबूत, निर्वाचन आयोग ने नहीं बनाया है लेकिन निर्वाचन आयोग ने जो व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई और निष्पक्ष चुनाव कराए उसी का तो परिणाम है कि विपक्ष मजबूत हुआ और भाजपा को कहीं ना कहीं कुछ कम सीटें आई। लेकिन अब वो भी चीज, वो चित भी मेरी पट भी मेरी, अब वो किस परिपेक्ष में कहते हैं एक बार, मेरा तो सुझाव यही है कि वो जो अपने वक्तव्य है उनको दोबारा सुन लिया करें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका क्या मतलब है। दूसरी चीजें ये है, अगर राहुल गांधी या हमारे जो कांग्रेस के नेता, राहुल गांधी ने तो कही है, कांग्रेस के नेता जो भी बोल रहे थे कि ईवीएम खासकर समाजवादी भी और उनके चूंकि साथी हैं तो उनका भी यही वक्तव्य है कि ईवीएम पे पूरा जनमानस कह रहा है, ऐसा नहीं है। अगर जनमानस कह रहा होता तो वाकई नोटा पे लोग जाता जाते। हाँ अगर पार्टियां विपक्ष की पार्टियां कह रही, कभी विपक्ष में भाजपा थी तो लाल कृष्ण आडवाणी ने भी वो मुद्दा उठाया था, लेकिन वो लाल कृष्ण आडवाणी ने जो मुद्दा उठाया और तब की सरकार ने एक्शन नहीं लिया, मनमोहन सरकार ने दूसरा चुनाव भी जो है वो ईवीएम से कराया, तब तो मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री थे, तो वहां पे भाजपा ने ये तो नहीं कहा कि हमको चुनाव में या भारतीय लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है, ये बेईमानी हो जाएगी, ये ऐसा कुछ नहीं। आज भी पंजाब ले लीजिए, केरला ले लीजिए, पश्चिम बंगाल ले लीजिए, आपका तमिलनाडु ले लीजिए, ये कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पे भाजपा एड़ी चोटी से जोर लगाने के बावजूद नहीं जीत पा रही है। बिल्कुल, क्यों? अगर ईवीएम हैक हो जाती है, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो संपन्न हो पा रहे हैं तो इन प्रदेशों में भी उसका जनाधार बढ़ता कि नहीं बढ़ता। लेकिन ये चीजें बताती हैं कि जहां के क्षेत्रीय राजनेता अपनी विचारधारा से कंप्रोमाइज नहीं किए हैं वो आज वहां पे सरकार बना रहे हैं और तमाम मोदी और योगी लहर के बावजूद वहां पे भाजपा कुछ नहीं कर पा रही। बिल्कुल कुंवर जी, जवाब दे दीजिए अब आप। देखिए ईवीएम में क्या हुआ इस पर तो पूरा विपक्ष बात करने के लिए तैयार था, लेकिन चुनाव आयोग के सामने वो बातें होती, यहाँ बहुत सी बातें उस पर हो नहीं सकती,
लेकिन वास्तव में पूरा सिस्टम हैक किया गया। चुनाव के बाद काफी खुशी लग रही थी आप लोगों के अंदर कि हाँ इस बार रोक लिया, इस बार अकेले दम पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही। पूरी खुशी है, पूरी तरह से हम लोग खुश हैं और इस बात में खुश है कि भारतीय जनता पार्टी अब कोई मनमानी नहीं कर पाएगी, भारतीय जनता पार्टी मनमाने फैसले नहीं ले पाएगी। और रही बात चुनाव की, तो जो राहुल गांधी जी ने कहा एकदम ठीक है, पूरा सिस्टम हैक किया गया, निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं हुए। कोई भी व्यक्ति यदि अपने गांव में किसी विपक्षी नेता की सभा करा देता था तो शाम को पुलिस उसके घर दरवाजे पर पहुंच जाती थी। कोई व्यक्ति यदि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यदि पोस्ट डाल देता था सोशल मीडिया पर तो उसको नोटिस दे दिया जाता था। इस तरह से पुलिस प्रशासन के माध्यम से डरा के धमका के जी आरक्षण मुद्दा क्या बताइए, तमाम बातें की उस पर आइए ना। कौन सी आरक्षण खत्म करने की बात, डर सता रहा आपको, इसके साथ साथ कई ऐसी बातें है राहुल गांधी ने की, आरएसएस मोदी पर बातचीत करते हुए नजर आए। मैंने दो बार कहा कि उत्तर प्रदेश में जहां हम बैठे हैं वहां पर नौकरियों में आरक्षण खत्म किया गया, अभी हाल ही में हाईकोर्ट का फैसला भी उस पे आया, तो शायद उस पे स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करना चाहती है। आरक्षण का विपक्ष मजबूत है, इस बार मनमानी नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी जी। अभी आपने कहा कि इस बार विपक्ष मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी मनमानी नहीं कर पाएगी, मनमाने फैसले नहीं हो पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी मनमानी नहीं कर पाएगी। इस बात पर हम संतुष्ट भी हैं, खुश भी हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो बात आई कि वास्तव में किस जगह पर कहा, तो वास्तव में जिस जगह पर चर्चा होनी चाहिए, तो मैं पूछना चाहूंगा क्या वहां पर जो सत्ताधारी दल है क्या वहां चर्चा के लिए तैयार है? क्या सदन में चर्चा के लिए मोदी जी तैयार होते हैं? जब भी कोई गंभीर विषय आता है तो मोदी जी सदन छोड़ के भाग जाते हैं, और मोदी जी चर्चा भी करते हैं तो सदन के बाहर करते हैं। उसका उदाहरण था मणिपुर की घटना, मणिपुर में जो घटना होती है तो मोदी जी सदन में उसमें कोई बात नहीं करते, लेकिन बाहर आते हैं, बाहर आकर इस बात पर आपत्ति जताते हैं कि ये वीडियो वायरल कैसे हुए, लेकिन चर्चा उन्होंने सदन में नहीं की। महंगाई पे, बेरोजगारी पे और किसानों की समस्याओं पे वास्तव में मोदी जी चर्चा करना कहाँ चाहते हैं? युवाओं की समस्याओं पर, नौकरियों पर मोदी जी चर्चा कहाँ करना चाहते हैं? यदि वास्तव में तो आए सदन में ये चर्चा करें, बाहर जाके कोई बात नहीं होगी। देखिए आरती जी, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता को शायद ज्ञान नहीं है इस बात का कि पूरे जितने भी सेशन सदन के चले हैं, जितने भी सत्र चले हैं, उसमें सबसे ज्यादा बार वॉकआउट करने वाला विपक्ष है। बिल्कुल ठीक है। और ये बता रहे हैं कि बाहर आके मोदी जी, बाहर आके इनके लोग नौटंकीबाजी करते हैं, किस तरीके से मिमिक्री करी जाती है। मोदी जी ने बाहर चर्चा किया कि नहीं किया? अभी इसीलिए मैं बोलना हूँ, जो मैं बोल रहा था वो इसीलिए मैं बोल रहा था, आपने मुझे टोका। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं इसलिए ये बोल देते हैं, क्योंकि इनकी सच्चाई में बताता हूं। आशीष जी जवाब दें। सबसे ज्यादा जितना भी सत्र चला है उसमें सबसे ज्यादा वॉकआउट करने वाला विपक्ष है, ये बताते हैं कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है। एक मुद्दे पर आप चर्चा के लिए कभी भी किसी भी कोई विपक्ष आए ही नहीं, चाहे कोई भी घटना, और मणिपुर पर भी प्रधानमंत्री जी ने चर्चा करने के लिए कहा था, तब भी विपक्ष वहां से भाग गया था। आप इस बात को क्यों नहीं बताते हैं? आप देखिए, गुमराह करने के काम मत करिए। और फिर मैं कह रहा हूं, बेरोजगारी और ये और वो जो बात कर रहे हो आप 2014 से कर रहे हो, और लगातार जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट और वोट दे रही है, इसका मतलब जो आप नैरेटिव सेट करना चाहते हो उसमें जनता आने वाली नहीं है। ठीक है राजेश जी, लास्ट कमेंट मिला है। ठीक है राजेश जी, लास्ट कमेंट आप दे देते भाई। रोजगार 50 साल आपने करा। ठीक है, आपने एक बात कहा कि जो बेरोजगारी, महंगाई, जो ये मुद्दा है 2014 का मुद्दा, आपको जानकारी के लिए बता दें 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, 14 में मोदी जी आए, तो 5 साल सरकार चलाए, दूसरा 5 साल चलाए, तो हिसाब हम किससे मांगेंगे? बस इतने बता दीजिए, हम किससे मांगेंगे? ठीक है, मान लीजिए घर के गार्जियन आप हैं, परिवार में किसी को दिक्कत होगी, नहीं एक मिनट सुन लीजिए, घर के गार्जियन आप हैं, परिवार में किसी की दिक्कत होगी तो गार्जियन से हिसाब मांगेगा, जवाब सवाल करेगा कि नहीं, समय कम है, ठीक है, समय कम है, करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है कुमार जी, जवाब दे दीजिए लास्ट कमेंट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है कि इस देश में जो समस्याएं हो रही हैं उसके लिए केवल कांग्रेस जिम्मेदार है, महिला उत्पीड़न होगी तो कांग्रेस जिम्मेदार है, आटा 19 रुपए से 44 रुपए किलो हो गया उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, नमक 12 रुपए से 28 रुपए किलो हो गया,
उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। और इस देश में दलितों के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहे हैं, महिला उत्पीड़न हो रहे हैं, ये लगातार जिस तरह की घटना हो रही है इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। अब लगातार इनका यह रटा रटाया जो भाषण है देश की जनता समझने लगी है। अब ज्यादा दिनों तक इनका जो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही लगातार राहुल गांधी के बयान को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला है, जिस प्रकार से आरक्षण समेत कई मुद्दों को लेकर लगातार राहुल गांधी हमलावर नजर आए, आरएसएस और बीजेपी को घेरते हुए नजर आए। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी समेत कई ऐसे मुद्दे यानी कि सिख दंगों का भी जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आई। इसके अलावा जो लोकसभा चुनाव हुए उस पर भी सीधी तौर पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी नजर आए। प्राइम टीवी पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।